हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से आईपीएस क्लर्क का एग्जाम स्टार्ट हुआ है और सेकंड शिफ्ट अभी खत्म हुआ है। और हमारे साथ है रायशा, जिनका एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, हमारे साथ जुड़ी हुई है और एग्जाम के एनालिसिस देंगी। इनसे हम जानेंगे कि एग्जाम कैसा आया था, पेपर्स किसका लेवल क्या था, क्वेश्चन किस तरह के थे। ठीक, हाय रायशा, हेलो सर। कैसे हैं आप? हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जैसा पहले हम ना सीक्वेंस पूछ लेते हैं, क्योंकि जो पहला शिफ्ट था उसमें हमने ये नोटिस किया था कि सीक्वेंस चेंज था। पहले रीजनिंग आई थी, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट्स बोला था। तो क्या इस वाले शिफ्ट में भी सीक्वेंस चेंज दिखा आपको? यही इसी सीक्वेंस में था, रीजनिंग फिर इंग्लिश फिर क्वांटिटी। अच्छा, मतलब यहाँ भी रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स वाला ही सीक्वेंस जो मॉर्निंग के शिफ्ट में देखा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में वही था यहाँ पे भी। ठीक है, यानी कि मुझे राइट लगता है कि अब ये सीक्वेंस आगे भी देखने को मिल सकता है। तो रीजनिंग से राइट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और रीजनिंग का ये पेपर पहले राइट। करते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए थे उसमें चार, दो सिटिंग अरेंजमेंट, दो पजल्स थे और बाकी मिसलिनियस के क्वेश्चन आए थे, और ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं थे, इजी थे। मतलब तो 35 क्वेश्चन डूएबल थे 20 ठीक है, मिनट्स में। जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, दो पजल थे, किस तरह के थे वो? सिटिंग अरेंजमेंट में एक तो अनसर्टन लीनियर आया था, अच्छा, जिसमें आंस टोटल अनसर्टन लीनियर था जो सब नॉर्थ फेस कर रहे थे, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन सॉल्व करने के बाद 10 पर्सन आ रहे थे, रूम में बैठे हुए थे। तो ठीक है। इसके अराउंड 3 से 5 क्वेश्चंस थे एग्जाम में। ठीक है, और इसके बाद जो एक और सिटिंग अरेंजमेंट आया था वो सर्कुलर था, उसके अराउंड 7 पर्सन बैठे हुए थे और सारी इनवर्ट फेस कर रहे थे, ठीक है। तो उसके 5 क्वेश्चन थे। हाँ यानी कि एक था अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला एक पजल, और एक आपका था सर्कुलर अरेंजमेंट इनसाइड फेसिंग हॉल। ये इनसाइड ठीक इनसाइड है। इसके अलावा दो पजल और कौन कौन से थे? ठीक इसके अलावा एक मंथ बेस्ड पजल आई थी जिसमें मंथ्स दिए हुए थे। स्टार्टिंग में तो 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स दिए हुए थे, उसके बाद नॉन कंसेक्यूटिव मंथ्स दिए हुए थे, टोटल 8 मंथ्स का दिया हुआ था डेटा, और इसके भी 5 क्वेश्चन आए थे। है, मतलब अब और इसके एक हम, और पजल हाँ, एक और एक पजल। और पजल आई थी जो बॉक्स बेस्ड थी, तो उसमें 7 बॉक्सेस को प्लेस करना था, ठीक है, तो कोई ये भी वेरिएबल फाइव भी था इसमें? क्वेश्चन आए थे। इसमें बॉक्स नहीं भी कोई भी वेरिएबल किसी है? भी पजल में वेरिएबल नहीं। ठीक है, तो अगर पजल्स की बात करें, तो आपने बताया कि दो सिटिंग अरेंजमेंट थे, एक सर्कुलर था, एक अनसर्टेन लीनियर वाला था, फिर आपका एक बॉक्स बेस्ड पजल राइट विदाउट वेरिएबल, और एक आपका था मंथ राइट बेस्ड पजल जिसमें कुछ स्टार्टिंग के कॉन्सिक्यूटिव, फिर बाद में नॉन कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स थे। तो इसको नॉन कॉन्सिक्यूटिव ही राइट मानते हैं, क्योंकि मंथ सीक्वेंस में नहीं थे। राइट इसके अलावा मिसेलेनियस में राइट क्या? मिसलिनियस में इनइक्वालिटीज आई थी, जिसके 3 क्वेश्चंस थे, तीन तीन से 4 क्वेश्चंस थे, और इनइक्वालिटी डायरेक्ट डायरेक्ट दी थी। कंक्लूशंस 2 थे और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजिली हो जा रहा था। ठीक है, और फिर सिलॉगिज्म के क्वेश्चन आए थे जो कि 3 थे और 2 कंक्लूशंस दिए हुए थे सब में, और उसमें क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी थे, तो ये आई थी। इसके बाद डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आए थे जो कि डुएबल थे, उसके 3 क्वेश्चन थे क्वेश्चंस। और उसके बाद एक वर्ड सीरीज जो होते हैं, 3 लेटर्स के वर्ड सीरीज थे, ठीक उसके क्वेश्चंस आए थे जिसमें 3 लेटर के वर्ड्स थे, तो है। स्टिल 3 से 4 क्वेश्चंस थे। और उसके बाद मिसलिनियस में वो मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन आए थे, और एक आया था जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कितने मतलब नंबर्स सीरीज में आते हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस थे। और तो वैसा कुछ था नहीं, बस सिलॉगिज्म इतने है, थे। सिलॉगिज्म सिलॉग्स आए थे। क्या थे, हाँ सिलॉगिज्म, क्या तीन लेवल था? से ठीक 3 क्वेश्चंस थे। लेवल इजी थी, मतलब रीजनिंग तो मुझे इजी लगी क्योंकि है, और मैंने रीजनिंग थर्टी में, थ्री हाँ, वैसा अटेम्प्ट कुछ करे तो अनएक्सपेक्ट ठीक है। देखने को मुझे मिल भी नहीं रहा है। पजल्स आपके वही थे जो यूजुअल पजल आते हैं, हाँ मिसेलेनियस भी यूजुअल था। ठीक है, अब इंग्लिश हाँ की बात कर लेते हैं। हाँ इंग्लिश तो मुझे थोड़ा मॉडरेट लेवल का लगा,
क्योंकि जो आरसी आई थी वो काफी टाइम कंज्यूमिंग थी, क्योंकि आपका अगर पूरा करोगे पैसेज तभी आपको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे आरसी में, और ये फ्रेंडशिप इंटर जनरेशनल फ्रेंडशिप पे बेस्ड थी। तो इसके इसमें एक एक क्वेश्चन जो आया था वो फ्रेज को कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन आया था, और 2 क्वेश्चंस थे जो सिनोनिम्स बेस्ड थे। तो इसमें रिमोटली और फॉर्ज्ड की सिनोनिम थी, और बाकी एक ही क्वेश्चन आया था जो डायरेक्ट था, और बाकी जितने क्वेश्चंस आए थे वो मतलब समझ के इनडायरेक्टली आपको बताना था। तो उसमें तो एक क्वेश्चन ऐसा दिया था कि पूरा आरसी पढ़ने के बाद कि ऑथर इसमें क्या बोलना चाहता है, ऐसे क्वेश्चन मतलब मतलब दिए गए थे। तो आरसी ये काफी थोड़ा, डिफिकल्ट मॉडरेट हाँ तो आरसी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्ट सा था, मतलब एज कम्पेयर टू अगर हम पुराने वाले क्लर्क एग्जाम्स को देखें तो आरसी जनरली इजी होते थे, डायरेक्ट हाँ क्वेश्चन होता था, बट इस बार उन्होंने प्रेज करेक्शन का भी डाल दिया आरसी में ही, साथ ही साथ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी डाल दिए। ठीक राइट है, तो आरसी तो डिफिकल्ट लेवल का हो गया। राइट ठीक है, इसके अलावा और क्या था? राइट इसके अलावा क्लोज टेस्ट दिया हुआ था, जिसमें फार्मर्स और रेनफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब वो क्लोज टेस्ट था। उसके 7 क्वेश्चंस आए थे, और इसमें ना मतलब बहुत सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मतलब ऑप्शंस थे, मतलब वर्ड्स काफी ऑप्शन सिमिलर थे। तो मतलब उसमें भी थोड़ा समझना पड़ रहा था कि कैसे मतलब कौन सा फिट हो रहा है। तो ये भी तो ग्रामर बेस्ड भी क्वेश्चंस थे क्लोज टेस्ट में, उसके 7 क्वेश्चंस आए थे। तो ठीक है, यानी क्लोज टेस्ट भी डिफिकल्ट लेवल का था, ऑप्शंस क्लोज थे और हाँ ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए थी काफी कि आप क्लोज ऑप्शन, अगर ऑप्शन आपको करेक्ट मार्क करना है तो। ठीक है, ठीक है, आगे और नहीं, नहीं। और स्पेलिंग एरर थे, और जिसके वो 5 ऑप्शंस थे। तो उसमें या 5 मतलब 5 ऑप्शंस में कोई एक इनकरेक्ट है, वैसा स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन था, जिसके टोटल 5 क्वेश्चंस थे। और एक एक ही ऐसा सेंटेंस था जिसमें कॉन्टेक्चुअल एरर थी, अदरवाइज मोस्टली स्पेलिंग एरर्स, एक वर्ड में स्पेलिंग एरर्स देखने को मिले। तो ठीक ये इसके भी 5 क्वेश्चंस आए थे, ये है, इवी। इसके अलावा कुछ था एरर डिटेक्शन? और इसके अलावा एरर हाँ एक डिटेक्शन, और वो एरर डिटेक्शन, हाँ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आए थे। तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें नो एरर आ रहा था, और ठीक है, बाकी बाकी सारे ही जो थे वो मतलब वो भी मतलब थे सब एरर, वर्ब के एरर्स थे, ये सारी चीजों में एरर थे। ठीक और है। एक था जिसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो एरर अच्छा, था जिसमें उसको। नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेम सेम काइंड्स ऑफ वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो इंग्लिश का तो हो गया। ठीक है, अब क्वांट्स की बात है। और हाँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आए थे इसमें, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और क्या लेवल रीअरेंजमेंट के था? क्वेश्चन आए थे। इजी थी ये, मतलब अगर फर्स्ट वाला आप निकाल लिए तो इजी आप कर लोगे 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, यानी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जैसे हमने पहले शिफ्ट में भी देखा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमें पहले शिफ्ट में भी इंग्लिश सेक्शन में देखने को मिले थे, सिमिलरली इस बार तो मुझे लग रहा है कि थोड़े ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिले, स्पेशली आरसी का लेवल काफी हाई था, राइट इंटरनेट थे, क्लोज पैसेज भी इन्होंने काफी डिफिकल्ट बना दिया था। ठीक है, तो यानी कि रीडिंग वाले जो रीड राइट जो पार्ट है उन इसमें यहाँ पर उन्होंने थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ाई है। ठीक है, बाकी रेस्ट जो राइट नॉर्मल लेवल के थे। क्वांट्स की बात कर लेते हैं। हाँ, क्वांट में तो 15 सिंप्लीफिकेशन के सीधे क्वेश्चंस थे, उतने डिफिकल्ट नहीं थे, हो जा रहे थे तुरंत। और नंबर सीरीज में आए थे, मिसिंग नंबर सीरीज था, तो उसके भी ठीक मतलब सब्ट्रैक्ट करने से डिफरेंस निकालने से डायरेक्ट डायरेक्ट आ जा रहे थे, और इसके भी 5 क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा एक ही डीआईडी भी थी, और जिसमें ना एनालॉग और डिजिटल क्लॉक डिजिटल वॉचेस का दिया हुआ था कि 2017 18 19 20 में कितने सोल्ड हुए हैं, वैसा तो उसका था। इससे 5 क्वेश्चंस आए थे, और लाइन ड्राफ्ट दी हुई थी, और इसमें 2 लाइन्स थे, कैनलॉग की थी, एक डिजिटल की थी। ठीक है, ये डीआई के क्वेश्चंस थे, और बाकी 10 क्वेश्चंस तो मतलब मिसलिनियस के आए थे, मतलब बाकी
एरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं क्वांट में, उसके बेस का इसमें प्रॉफिट और लॉस था, एवरेजेस थे, ये सारी इजी थे। मतलब तीन मतलब जो टॉपिक्स तीन तो टॉपिक्स मैंने ही में सॉल्व आते कर हैं, लिए। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेजेस हो गया, टाइम हाँ कांस्टेंट्स हो गया, SICA, हाँ यही सब पे आए। वो सारे। ठीक है, तो हाँ अब देख, हमने एनालिसिस देख लिया है, जो रीजनिंग एंड क्वांट्स एज एक्सपेक्टेड जो हमेशा आती रही है वही आई है। जो डिफरेंस देखने को मिला है वो तो पहला कि ऑर्डर चेंज हो गया है सेक्शंस का, पहले रीजनिंग खुल रहा है, फिर इंग्लिश एंड क्वांट्स खुल रहा है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स आगे एग्जाम देने वाले आने वाले स्विफ्ट में, तो वो इस बात का ध्यान रखे कि ऑर्डर चेंज हो गया है। सेकेंड वाली जो बात ये है कि इंग्लिश में थोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, स्पेशली RC के, और आपके डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ गई है। तो अगर जो आगे वाला शिफ्ट है, क्योंकि पहला शिफ्ट में भी थोड़ा डिफिकल्ट था और सेकेंड भी थोड़ा डिफिकल्ट था, तो मे बी आगे के शिफ्ट भी डिफिकल्ट हो, तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स थोड़े रेडी रहें। बाकी रीजनिंग पॉइंट्स आपके एज एक्सपेक्टेड है, ईजी है, डुएबल है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान आपको इंग्लिश में रखना है, एंड ऑर्डर तो चेंज है। तो थैंक यू रायशा फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, आपने मतलब एग्जाम थैंक दिया यू और फिर सर। आके एनालिसिस भी दे रहे हो, एंड वी ऑल होप कि आपका प्री क्लियर हो, आप मेंस तो, एंड फाइनली आप जॉब ले लो। ठीक है, एंड जो भी व्यूवर्स ये एनालिसिस देख रहे हैं जिनका एग्जाम है आने वाले शिफ्ट में, उनको भी पूरी प्रैक्टिस मार्केटिंग की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू रायशा। थैंक यू।